अवैध रेत उत्खनन का अड्डा बन चुका है। आसपास के गांव में अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। नदी में कई जगहों पर रेत के उत्खनन के लिए बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें लगाई गई हैं। वहीं मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एसडीएम की माने तो उन्हें इस अवैध कारोबार की जानकारी ही नहीं थी। आपको बता दें कि यूपी में एक गाड़ी रेत की कीमत 80,000 से 1 लाख रुपए तक है और उसी का फायदा उठाकर दबंग यहाँ की रेत को वहाँ ले जाकर बेच रहे हैं। नियम तो यही है कि जहाँ पर लीज हुई था वहीं पर उत्खनन करें और वहाँ प्रॉपर जो है फील्ड पास जारी कर दें। हम लोग निकाल देंगे, अब ठेकेदार जो है वही लोग सब निकालते हैं। सरपंच सचिव कुछ नहीं करते हैं, वो सब बात है, फिर देखता के चले जाते हैं। कुछ यहाँ बोल भी नहीं करते हैं, कुछ बातें चित नहीं करते हैं। मनमाना ढंग से कोई भी चीज मनमाना करता है, किसी का कोई चारा नहीं चलता। जितना मन करेगा वो सब लोग ले जाएंगे या कुछ भी करेंगे, सब उनके लोग।